Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today in this lecture I am going to discuss with you some important first lines from novels, and this video is part number 3. So, friends, about the first line ki, having placed in my mouth sufficient bread for 3 minutes chewing, I withdrew my powers of sensual perception. एंड रिटायर्ड इन टू द प्राइवेसी ऑफ माई माइंड माई आईज एंड फेस अज्यूमिंग वेकेंट एंड प्री ऑक्यूपाइड एक्सप्रेशन सो ये जो लाइन्स हैं ये फ्लन ओ ब्रियन के वर्क एट स्विम टू बर्ड्स में से ली गई है जो कि पब्लिश हुआ था नाइनटीन थर्टी नाइन में दे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं आई वॉज बॉर्न इन द ईयर सिक्सटीन थर्टी टू इन दिटी ऑफ यॉर्क ऑफ अ गुड फैमिली दो नॉट ऑफ दैट कंट्री माई फादर बींग अ फॉर्नर ऑफ ब्रीमेन Who settled first at Hull he got a good estate by merchandise and leaving off his trade lived afterward at York from whence he had married my mother

न इन द बिगनिंग समटाइम्स आई लेफ्ट मैसेज इन द स्ट्रीट सो ये जो लाइन्स है ये डेविड मार्क्सन के वर्क फिटगन स्टीन मिस ड्रेस जो कि नाइनटीन एटी एट में पब्लिश हुआ था वहाँ से ली गई है देन मिस ब्रूक है देट काइंड ऑफ ब्यूटी विच सीम्स टू बी थ्रोन इंटू रिलीफ बाई पुअर ड्रेस सो ये जो लाइन्स है ये जॉर्ज एलियट के वर्क मिडिल मार्च जो कि एटीन सेवेंटी टू में पब्लिश हुआ था वहाँ से कोट की गई है देन वॉट आर दिस यंग वुमेन हू राइट सच बैड पोएम्स इन कॉम्पिटिशन विद हर हजबेंड होज पोएम्स आर इक्वली बैड शुड स्ट्रेच हर रिमार्केबली लॉन्ग एंड वेल मेड लेग पुट बिफोर यू सो दैट हर स्कर्ट स्लिप्स अप टू द टॉप्स ऑफ हर स्टॉकिंग्स सो ये जो लाइन्स हैं ये गिलबर्ट सॉरेंटिनो के वर्क जिस वर्क का नाम है इमेजिनेटिव क्वालिटीज ऑफ एक्चुअल थिंग्स जो कि नाइनटीन सेवेंटी वन में पब्लिश हुआ था वहाँ से ली गई है दैन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं आई हैव ने बिगन बिगन अ नॉवल विध मोर मिस गिविंग सो ये डब्ल्यू ए सोम सेट मोघम के वर्क द रेजर्स एट जो कि नाइनटीन फोटी फोर में पब्लिश हुआ था वहाँ से ये लाइन कोट की गई है देन वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ वूमेन हु डिस्कवर शी हैड टर्न इन टू द रोंग पर्सन सो ये लाइन्स जो है एनी टेलर के वर्क बैक वेन वीवर ग्रोन अप्स में से ली गई है जो कि टू थाउजेंड वन में पब्लिश हुआ था दैन The human race to which so many of my readers belong has been playing at children's games from the beginning and will probably do it till the end, which is a nuisance for the few people who grow up. So ye jo lines hai GK Chesterton ke work the Napoleon of Notting Hill mein se ki gayi hai jo ki nineteen hundred four may publish hua tha. Then you better not tell. नेवर टेल नो बडी बट गॉड सो ये फेमस लाइन्स जो है ये एलिस वॉकर के वर्क फेमस वर्क में से कोड की गई है कलर पर्पल जो कि नाइनटीन एटी टू में पब्लिश हुआ था देन टू बी बॉर्न अगेन सेंट गिब्रल फरिश्ता टम्बलिंग फ्रॉम द हेवन्स फर्स्ट यू हैव टू डाई सो ये लाइन्स जो है सलमान रशदी के फेमस वर्क द सेटनिक वर्सेज में से कोड की गई है जो कि नाइनटीन एटी एट में पब्लिश हुआ था देन इट वॉज़ अ क्वर सल्ट्री समे इलेक्ट्रोक्यूटेड द रोजन बर्ग्स एंड आई डिडेंट नो वट आई वॉज डूइंग इन न्यूयॉर्क सो ये लाइन्स जो है ये सेल्विया प्लाथ के वर्क द बिल जार जो कि पब्लिश हुआ था नाइनटीन सिक्सटी थ्री में वहाँ से कोट की गई है देन मोस्ट रियली प्रिटी गर्ल्स हैव प्रिटी अगली फीट एंड सो डज माइंडली मेटल मैन लिनोर नोटिस ऑल ऑफ अ सडन ये लाइंस जो है डेविड फॉस्टर वेलिस के वर्क में से जिस वर्क का नाम है द ब्रूम ऑफ द सिस्टम में से कोट की गई है जो कि 1987 में पब्लिश हुआ था देन इफ आई एम आउट ऑफ माय माइंड इट्स ऑल राइट विद मी थॉट मोजेज हर ये जो लाइंस है ये सॉल बेलो के वर्क हर जो कि 1964 में पब्लिश हुआ था वहां से कोट की गई है देन फ्रांसिस मैरियन Water's uncle had been dead for only half a day when the boy got too drunk to finish digging his grave. And a negro named Buford Munson, who had come to get a jug full, had to finish it and drag the body from the breakfast table where it was sitting, still sitting, and bury it in a decent and Christian way with the sign of its savior at the head of the grave and enough dirt on top to keep the dogs from digging it up. ये जो लाइंस है ये फ्लैनरी ओ कॉर्नर के वर्क में से कोट की गई है जिस वर्क का नाम है द वॉयेंट बीयर इट अवे जो कि 1960 में पब्लिश हुआ था देन ग्रांटेड आई एम एन इनमेट ऑफ अ मेंटल हॉस्पिटल माय कीपर इज वाचिंग मी ही नेवर लेट्स मी आउट ऑफ हिज साइट देर अ पीप होल इन द डोर एंड माय कीपर्स आई इज द शेड ऑफ ब्राउन दैट कैन नेवर सी थ्रू अ ब्लू आइड टाइप लाइक में ये जो लाइंस है ये कोट की गई है गेंटर ग्रास की वर्क जिस वर्क का नाम है द ट ड्रम जो कि 1959 में पब्लिश हुआ था देन डिक गिब्सन वाज अ लिटिल बॉय ही वाज नॉट डिक गिब्सन ये लाइंस जो है स्टैनली एल्किन के वर्क द डिक गिब्सन शो में से जो कि 1971 में पब्लिश हुआ था वहाँ से कोट की गई है देन ही फॉर देयर कुड बी नो डाउट ऑफ इज सेक्स डो द फैशन ऑफ द टाइम डिट सम टू डिस्काइ इट वॉज इन द एक्ट ऑफ स्लाइसिंग एट दैड ऑफ अ मूड विच स्वंग फ्राम द रेफ्ट ये लाइन्स जो है वर्जीनिया वुल्फ के वर्क और लैंडो जो कि नाइनटीन ट्वेंटी एट में पब्लिश हुआ था वहाँ से कोर्ट की गई है Then, high, high above the North Pole, on the first day of 1969, two professors of English literature approached each other at a combined velocity of 1200 miles per hour. ये lines जो है डेविड लॉज के वर्क चेंजिंग प्लेसेस में से कोट की गई है जो कि पब्लिश हुआ था 1975 में then दिस सो वेन ट्रबल कम्स क्लोज रैंक्स इन सो वाइट पीपल डिड ये लाइन्स जो है जीन राइस की वाइल्ड सरगोसा सी जो कि फेमस वर्क है जीन राइस का जो कि नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में पब्लिश हुआ था वहाँ से कोट की गई है देन द कोल्ड पास रिल्क्टेंटली फ्रॉम द अर्थ एंड द रिटायरिंग फॉक्स रिवील्ड एंड आर्मी स्ट्रेच आउट ऑन द हिल्स रेस्टिंग देन फ्रेंड्स ये जो लाइंस है ये स्टीफन क्रेन के वर्क द रेड बैच ऑफ करेज में से कोर्ट की गई है जो कि 1895 में पब्लिश हुआ था देन ही राम क्लेग टुगेदर विद हिज वाइफ ईबा एंड फोर फ्रेंड्स ऑफ द फेथ फ्रॉम रेंडॉल्फ जंक्शन वर्स समोन्ड बाय द स्पिरिट एंड मिसेस क्लारा कॉलिस् विडो ऑफ द बिलोविड नजरीन प्रीचर एली कॉलेंस टू बेस्ट कॉन्डॉन ऑन द weekend of the 18th and 19th of April there to await the end of the world. So he lies to her Robert Coover ki work. द ओरिजिन ऑफ द ब्रूनेस जो कि 1966 में पब्लिश हुआ था वहाँ से कोट की गई है

in the late summer of that year we lived in a house a village that looked across the river and the plain to the mountains so ye famous lines you ernest hemingway work a farewell to arms in nineteen twenty nine may published huahta wahasecot then take my camel dear said my aunt dot as she climbed down from this animal on her return from high marsh so he lines to rose macaulay work the towers of trebiont say, ट्रेवीजॉन से कोट की गई है जो कि 1956 में पब्लिश हुआ था देन ही वॉज एन अ इंच पर हैप्स टू अंडर फीट पावरफुली बिल्ट एंड ही एडवांस स्ट्रेट यू विद अ स्लाइट स्टूब ऑफ द शोल्डर्स हेड फॉरवर्ड एंड अ फिक्सड फ्रॉम अंडर्स टे विच मेड यू थिंक ऑफ अ चार्जिंग बुल ये लाइन्स जो है जॉसफ कॉन्ड के फेमस वर्क लॉर्ड जिम में से कोट की गई है जो कि नाइनटीन हंड्रेड में पब्लिश हुआ था देन द पास्ट इज़ अ फॉरन कंट्री द डू थिंग्स डिफरेंटली ये लाइज जो है एल पी हाटले के वर्क द गो बिटवीन जो कि नाइनटीन फिफ्टी थ्री में पब्लिश हुआ था वहाँ से कोट की गई है देन ऑन माई नेमिंग डे वेन आई कम ट्वेल्व आई गॉन फ्राम फ्रंट स्पीयर एंड किल द वाइल्ड बोर ही पार्बली बेन दैट यास वाइल्ड पिग ऑन द बंडल डाउंस एनी हाउ दे हैडेंट बेन नन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर हिम नॉर आई एंट लुकिंग टू सी नन एच इन सो ये लाइन्स जो है र्यूसल होबेन के बॉक रिडले वॉकर में से कोट की गई है जो कि नाइनटीन एटी में पब्लिश हुआ था देन देन फ्रेंड्स इसी के साथ ही लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स प्लीज डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर यू जी सी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग